राम राम भाई, फिर से एक और फोन के साथ में आप लोग देखोगे, सोच रहे होगे दबा दब फोन की वीडियो डाल रहा, क्या कर रहा है, क्या करके मानेगा लौंडा भाई, क्या करे यार, मतलब कि फोन ही फोन आ रहा है। देख भाई, हम किसी चीज़ की स्पॉन्सरशिप लेते नहीं है, अपने भाई सैमसंग नहीं लेते हम स्पॉन्सरशिप भाई, हम हमारी फैमिली में कोई भी फोन खरीदता है तो भाई हम वीडियो बना देते हैं, और भाई हम किसी चीज़ की स्पॉन्सरशिप ना ही लेते हैं और ना ही लेंगे भाई, साफ सी बात है ना ही लेंगे। तो भाई भाई ये है M30S जो कि भाई सैमसंग का बहुत बढ़िया फोन है, मतलब तो भाई फोन बढ़िया है, 6GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी है, ट्रिपल कैमरे के साथ में, फ्रंट में एक सिंगल कैमरा, और मैं इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ, 6000mAh की बैटरी है विद फास्ट चार्जिंग, 48MP का बैक कैमरा, प्लस 5MP 8MP अल्ट्रा वाइड ट्रिपल कैमरे के साथ में, और 16MP का फ्रंट कैमरा है। और तो भाई मैं दिखाता हूँ, 2.3GHz 1.7GHz ऑक्टोकोर प्रोसेसर विद सैमसंग एक्सियोनिक्स के साथ में, तो भाई बढ़िया फ़ोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई चलो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम फ़ोन को निकालते हैं, तो स्टार्टिंग में भाई अपने को एक ब्रांड न्यू बढ़िया फ़ोन दिखता है, बिल्कुल बढ़िया। तो अभी फ़िलहाल में फ़ोन को रखते हैं साइड में, इसके अंदर एक बॉक्स से पहले इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या सामान है। तो भाई सैमसंग ने अलग से एक बॉक्स दिया है, ये पता नहीं क्या है, तो सो नॉर्मली होगा मेरे ख्याल से, तो इसमें शायद हाँ, तो कवर है और एक पिन है जो कि भाई हम सिम स्लॉट ओपन कर सकते हैं, एक कवर नॉर्मल और कुछ गाइड्स केबल, गाइड्स के जो भी है भाई साइड में करो इसको, फिलहाल में इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये तो नॉर्मल सबके साथ में आते हैं। फ़ोन किस तरीका देखते हो तो भाई फ़ोन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ब्लैक कलर का है, तो इसको ओपन करते हैं, तो ये पन्नी तो साइड में रखते हैं, पहले हमने ओपन मतलब कर चुके हैं पहले ही। तो भाई बिल्कुल बढ़िया फ़ोन है, और भाई इसके ऊपर मतलब कि क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल प्यारा फ़ोन है। सैमसंग जो है 6GB रैम में बढ़िया फ़ोन दे रहे हैं, और 3 कैमरे है विद फ्लैश के साथ में, और बैक में एक फिंगरप्रिंट है जो कि सब नॉर्मल फ़ोन में आता है, एक M20 है आप लोगों को पता होगा, उसमें साइड में जो कि आया था फिंगरप्रिंट, पर इन लोगों ने बैक में दे दिया है। तो इसको ओपन करते हैं, अब ऑन करते हैं, रीबूट करते हैं। तो गाइज रीबूट ये ऑलरेडी हो रखा है, मैंने रीबूट मतलब कि गाइज क्या हुआ था, फ़ोन हमने ओपन कर लिया पहले ही, और मैंने ऐसे कैसे पैक कर दिया और चेक नहीं किया कि फ़ोन बंद गया, तो इसलिए फ़ोन अब मैं सीधा ओपन करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं मस्त फ़ोन है, और नॉर्मल जैसे सैमसंग की नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं तो फ़ोन में जो मेन्यू है वो नॉर्मल खुलता है। और भाई पहले इस फ़ोन में देखते हैं भाई चाइनीज़ ऐप तो नहीं है, तो गाइज इसके अंदर कोई भी चाइनीज़ ऐप नहीं है, सारे के सारे सैमसंग के ऐप है, और अभी फ़िलहाल में इसको अपडेट भी मांग रहा है, आप लोग देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, और नोटिफिकेशन सेंटर ऊपर से, और जो कि भाई नॉर्मल शॉट जो कि भाई तो अभी आप हम आपको दिखा देते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। फिलहाल में भाई इसमें कोई भी चाइनीज़ ऐप नहीं है, सबसे बढ़िया बेस्ट सैमसंग वाले ये कर रहे हैं। और इसके बारे में सेटिंग में चलते हैं हम लोग, सेटिंग कहाँ इसकी, तो गाइस सेटिंग इसकी शायद यहाँ पे, तो सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में दिखाते हैं हम आपको क्या क्या चीज़ है। तो नॉर्मल सब चीज़ें, अबाउट में आपको दिखाते हैं फ़ोन के बारे में और क्या चीज़ है, एडवांस फीचर में क्या है, तो एडवांस फीचर में वही नॉर्मल जो आता है, क्या नाम है, फिंगर स्लाइड करो तो भाई स्क्रीनशॉट लेगा, ये करो तो वो लेगा। तो इसमें अबाउट फ़ोन सेक्शन में चलते हैं, और भाई ये मैं ब्लर कर दूँगा वैसे, तो EMI नंबर, तो फ़ोन नंबर तो कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल में, मॉडल नंबर SM M37F है, सीरियल नंबर भी मैं वैसे भी ब्लर करने वाला हूँ। तो गाइज इसमें और नॉर्मल तो कुछ है नहीं, स्टेटस देखते हैं, और नॉर्मल कुछ नहीं है इसमें ज़्यादातर, आपको मैं सॉफ्टवेयर के बारे में और बता देता हूँ, तो ब्लर हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको वैसे ही फ़ोन के बारे में बता दिया है, और आप लोग देख सकते हैं इसके कैमरे के, मैं और बात कर लेते हैं कैमरा कैसा है इसका, तो आप लोग देख सकते हैं कितना बेस्ट क्वालिटी के साथ में, और ये अल्ट्रा वाइड कैमरा मैं ऑन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लोज में है, और ये अल्ट्रा वाइड ऑन हो चुका है, और मैं अब नॉर्मल कैमरे में चलता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, तो मतलब कि फ़ोटो बिल्कुल धांसू आने वाली है, कोई दिक्कत वाली है। मोर में चलते हैं, तो मोर में आपको सब चीज़ें मिलेगी, मतलब फूड की हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे DSLR में क्या होता है हम फूड में रिकॉर्डिंग करते हैं बिल्कुल बेस्ट होती है, तो ऐसे ही फ़ोन में दी गई है। प्रो सब में होता है, प्रो नामा सब में होता है, लाइट सब में होती है, नाइट मतलब मोड, और सुपर स्लो मो भी है इसमें, और स्लो मोशन भी है, सुपर सी चीज़ें है इसमें, आपको स्लो मो भी दे दूँगा। तो फोटो एक क्लिक करके देख लेते हैं बॉक्स के ही, तो बॉक्स को यहाँ पे रखते हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स की फ़ोटो खींच के, फ्लैश को ऑन करते हैं, तो गाइज अभी बैटरी लो है तो फ्लैश ऑन नहीं कर सकते हम, बिना फ्लैश के ब्राइटनेस बढ़ा के इसकी जो कि फ़ोटो क्लिक करते हैं, और फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी फ़ोटो आई है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो मतलब कि इतनी क्लियर है, मतलब कि जितना मर्जी जूम कर लो पिक्सल ज़्यादा फट नहीं रहे हैं, मतलब ठीक है,
ज़्यादा जूम करने पे भी नहीं है, तो इतना भाई मैं इसका कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है किसी प्रकार की। भाई फ़ोन अपने भाई फैमिली में आया है तो भाई फ़ोन हमें, तो भाई अपने को कंटेंट चाहिए और कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। तो भाई अभी हमने फिलहाल में अभी पीछे 19 का अभी अनबॉक्सिंग की, अब हम भी M30 जो कि सैमसंग का फ़ोन है उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, मतलब जल्द क्या मिलता, वीडियो आने वाली है। और फिलहाल में आप लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, गेम प्ले वीडियो के साथ में और अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ में। अभी के लिए सबको बाय बाय। तो गाइज भाई सबसे पहले तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक शेयर कमेंट, और भाई कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपको मिलते हैं।